हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़गनों की तरफ से आप सबको स्वागत है। आज मैं जन्माष्टमी के लिए बेंगल का एक स्वादिष्ट मिठाई का रेसिपी लेके आई हूँ। ये मिठाई खाने में भी जितना स्वादिष्ट है, बनाना भी उतना ही इजी है। मेरा आज का रेसिपी है चॉप्ड छेना का संदेश। चलिए देख लेते हैं ये छेना का संदेश बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फुल क्रीम दूध, विनेगर, चीनी, पाउडर मिल्क, मलाई और छोटी इलायची। पहले दूध को फाड़ के छेना बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक गमला ले लिया और इसमें थोड़ा सा पानी ले लिया। ये गमला का नीचे पानी डालने से दूध नीचे चिपकता नहीं। अभी इसमें 2 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया। यहाँ पे दूध में उबाल आ गया, मैंने फ्लेम बंद कर दिया और 3 से 4 मिनट दूध को ऐसे रख देंगे। मैंने यहाँ पे 6 टेबलस्पून विनेगर और 12 टेबलस्पून पानी को एक साथ मिक्स कर लिया और यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून मैदा ले लिया। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक पतला घोल बनाऊंगी। ये मैदा का घोल दूध में डालने से छेना बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अभी ये मैदा का घोल ये गर्म दूध में डाल देंगे। यहाँ पे दूध अभी भी बहुत ही गर्म है, इसलिए मैंने इसमें 1/2 ग्लास नॉर्मल पानी डाल देंगे। फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी में मिला हुआ विनेगर दूध में डाल के हल्का हाथों से थोड़ा मिक्स करना है। यहाँ पे पानी और छेना अलग हो गया, अभी पानी को ड्रेन आउट करना है। फिर नॉर्मल पानी से छेना को 2 से 3 बार धो लेंगे। अभी छेना को हल्का हाथों से प्रेस करके निचोड़ना है, फिर 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको हैंग करके रखना है। यहाँ पे 1.5 घंटा हो गया, देखिए कितना सॉफ्ट छेना तैयार हो गया। अभी छेना को ऐसे थोड़ा तोड़ लेंगे, फिर इसमें 1/2 कप से 2 टेबलस्पून कम चीनी। चीनी आप अपना हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस मिठाई में चीनी थोड़ा कम ही डाला जाता है। फिर 1/2 कप पाउडर मिल्क, 4 से 5 टेबलस्पून मलाई, आप मलाई के बदले में फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इसको अभी एक साथ मिक्स कर लेंगे। अभी फ्लेम ऑन करके मीडियम से हाई फ्लेम में 5 से 7 मिनट कुक कर लेंगे। इसको लगातार चलाना है। अभी 5 पीस छोटी इलायची का पाउडर इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। मैंने फ्लेम बंद कर दिया। मैंने यहाँ पे 1 केक टिन ले लिया। अभी इसमें थोड़ा घी ब्रश करना है। फिर 1 बटर पेपर इसका ऊपर डाल के और थोड़ा घी ब्रश करना है। अभी केक टिन में ये छेना का मिक्सर डाल के थोड़ा टैप कर लेंगे। फिर ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता और केसर का धागा डाल देंगे। इसको छेना गर्म रहते ही डालना है। फिर छेना ठंडा होने का बाद 2 से 3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है थोड़ा सेट होने के लिए। यहाँ पे 3 घंटा हो गया, अभी इसको ऐसे निकल के पीस कर लेंगे। बस रेडी हो गया जन्माष्टमी स्पेशल चॉप्ड छेना संदेश। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो जरूर एक लाइक कीजिए और एक कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।